Hey guys, welcome back to another episode of Minecraft. Last episode हम लोग अपना हाउस बना रहे थे और आज एपिसोड में हम होपफुली अपना हाउस जो है कंप्लीट कर देंगे. होपफुली गारंटीड नहीं है. सबसे पहले हमको ढेर सारा जो है स्लैब भी चाहिए होगा और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अब आयरन हो गया है तो हम जो है थोड़ा आर्मर बना लेते हैं अपने लिए. अच्छा चलते हैं ऊपर, थोड़ा फ्लोर बना लेते हैं अपने लिए. कल हम जो है मतलब कि इस तरह का स्टोन से नहीं बनाना चाह रहे थे लेकिन अब बना दिए तो सोच रहे हैं कि बाउंड्री जो है इसी स्टोन से दे देते हैं. इतना में तो कुछ नहीं होगा. सोच रहे जैसे कि बाउंड्री जो है इस तरह से आउटर बाउंड्री इसी स्टोन से रहेगा और फिर उसके बाद अंदर जो है स्टोन ब्रिक्स वाला स्लैब लगा देंगे. तो पहले बहुत सारा जो है स्टोन स्लैब बना लेते हैं. ये वाला स्लैब्स हो गया. अब जो है स्टोन ब्रिक स्लैब से जो है हम इंटीरियर इसका करेंगे. हमको बहुत सारा स्लैब लगने वाला है तो देखते हैं. पहले हम बहुत सारा स्टोन बना लेते हैं स्मेल्ट करके कोबल स्टोन को और फिर उसके बाद जो है बहुत सारा स्लैब बना के बाउंड्री बना देंगे. और जल्दी नाइट टाइम भी होने वाला है तो इसको जल्दी से जितना हो सकता है करना. और क्योंकि मेरे पास 3 डायमंड है तो हम सोच रहे हैं एक डायमंड पिकैक्स बना ले और इस एरिया को थोड़ा क्लियर कर दे. फालतू में ऑब्सीडियन जो है हमको हमेशा प्रॉब्लम देता है. और आई गेस नाइट टाइम हो ही गया है तो हम जल्दी से जो है अपना बेड लगा के डे टाइम कर लेते हैं. हाँ नाइट टाइम हो गया है. तो बैक टू डे टाइम. मेरा वीट फार्म भी बहुत अच्छा खासा ग्रो हो गया है तो इसको भी एक बार जो है हम हार्वेस्ट कर लेते हैं. बट पहले हमको थोड़ा सा इन्वेंट्री खाली करना होगा.
अच्छा खासा मेरा हंगर घट गया इसको करने में, बट अभी मेरे पास बहुत सारा सीड है और हम सोच रहे हैं कि इस फार्म को जो है कंप्लीट ही कर दे। तो हम क्या करेंगे कि हो बना लेते हैं। तो मेरा पूरा फील्ड जो है वीट सीड से कवर हो गया है, और अगले बार जो हार्वेस्ट होगा मेरे पास बहुत ज़्यादा वीट हो जाएगा। और हम बाकी का सीड को जो है यहाँ पे इसमें भी डाल सकते हैं, और इससे हमको बोन मील मिलता है, और बोन मील से हम इसको उगा सकते हैं। नाइस। बट अभी के लिए हम सारा सीड जो है यहाँ डाल देंगे। मोस्ट लाइकली थोड़ा काउ को ब्रीड करा देंगे। आई गेस मेरा जो है सारा स्टोन जो है स्मेल्ट हो गया होगा अब तक में, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सारा स्मेल्ट हो गया और स्टोन डाल लेते हैं इसमें। मेरे पास अब स्टोन का भी कमी हो गया है, होपफुली इतना जो है बहुत हो गया, नहीं तो हमको और स्टोन लाना पड़ेगा। होपफुली इतना में मेरा जो है फ्लोर कवर हो जाएगा। नहीं होगा। हमको एक स्टेयर भी बनाना होगा यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। सोच रहे हैं एंडर साइड से ही कुछ बना लेते हैं, स्टेयर वगैरह या कुछ। लगता है हमको सही में ना माइनिंग करने जाना होगा, क्या कि मेरे पास कोबल स्टोन है ना जितना हमको चाहिए। यहाँ पे दो गो जो है जैको लैंटेन या कुछ लगा देंगे, अच्छा लगेगा। और हमें ना फार्म सबको थोड़ा उधर आगे मूव कर दें, काहे कि बहुत ज़्यादा नॉइस करता है, इतना नॉइस करता है खुद भी पता चल रहा है कितना नॉइस करता है। जरा सा पास जो कि पूरा मैं और गो करेगा। फार्म को मूव करना होगा थोड़ा सा आगे। देखते हैं नीचे क्या। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा और स्टोन है तो हम कर सकते हैं अभी थोड़ा सा काम और। परफेक्ट। अब बस थोड़ा सा कोबल स्टोन चाहिए इसको कवर करने के लिए। एक्चुअली हमें ना इसमें से विंडो बना के कोबल स्टोन निकाल सकते हैं बाहर।
चलिए, हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो है एक और आगे होता, हमको शायद बहुत सारा ब्रेक करना होगा यहाँ। लगता है हमको और कोबल स्टोन चाहिए होगा। जब तक हम कोबल स्टोन लाते हैं, हम सोच रहे हैं कि ये जो जितना भी आयरन हो रहा है, इस सब को जो है स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। एटलीस्ट कुछ होते रहेगा तब तक। और हाँ, ऐसा करते हैं कि अब फाइनली टाइम आ गया एक डायमंड पिकेक्स बनाने का और इस कचरा को हटाने का। सबसे पहले तो ये कचरा हटाना है, तो लेट्स मेक आवर फर्स्ट डायमंड पिकेक्स। इसके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत घटिया बात है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस चीज को उड़ाया जाए, यहाँ पे जो ऑब्सीडियन है। चलिए, इस ऑब्सीडियन को रख देते हैं यहाँ सेफ्टी में और देखते हैं स्लाइम है कौन। तो इसके उस पार है, यहाँ पे जो एरिया है उधर है। इस एरिया को बाद में चेक करेंगे, पहले हम कहीं और से ढेर सारा कोबल स्टोन ले आते हैं। या ऐसा करते हैं, हमें ना यहाँ पे माइनिंग कर लेंगे।